हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जेई और नीट के एग्जाम के बारे में। तो फ्रेंड, ये कंफर्म है कि जेई और नीट का एग्जाम 1 से 6 सितंबर के बीच जेई मेंस का एग्जाम होगा और 13 सितंबर को नीट का एग्जाम होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगा जिससे आप एग्जाम को पोस्टपोन कराने में हेल्प कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो फ्रेंड, जेई और नीट का एग्जाम पोस्टपोन कराने के लिए हमारे जो मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके कल शाम को ये बोला था कि जो जेई और इसका नीट का एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया जाए या फिर कोई और विकल्प निकाला जाए इस बच्चों के एडमिशन के लिए। तो फ्रेंड, उनके ट्वीट का भी काफ़ी मतलब केंद्र सरकार को उन्होंने ये ट्वीट करके बोला था कि हम बच्चों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते हैं, आप कोई और विकल्प निकालिए एग्ज़ाम को कराने के लिए या एडमिशन कराने के लिए। तो फ्रेंड, मैं इस वीडियो को आपको इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मोदी जी तक हमारी ये रिक्वेस्ट चली जाए और उनसे ये हमारी विनती है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया जाए। क्योंकि फ्रेंड, हम बच्चों के साथ, बच्चों की जो ज़िंदगी है उनके साथ नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ होगा, सेफ्टी के साथ लिया जाएगा। लेकिन क्या पता जब आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े हो या फिर एग्ज़ाम दे के जब आप बाहर निकल रहे हो तो वहाँ पे सेफ्टी होगी या नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में ही खतरा हो, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी आपको खतरा हो सकता है। और फ्रेंड, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा COVID-19 की प्रॉब्लम है कि हमें इस बीमारी का पता भी नहीं लगता कि किसको है किसको नहीं है। एक एग्ज़ाम के लिए हम काफ़ी बच्चों की जो ज़िंदगी है वो खतरे में नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए मनीष सिसोदिया ने और काफ़ी दिल्ली जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा था कि कोई और विकल्प निकालिए बच्चों के एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो फ्रेंड, मेरे से आपसे विनती है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मेरी ये वीडियो मोदी जी तक पहुँच पाए और ताकि जो बच्चे हैं जो नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिल पाए, जो आपका एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाए या फिर कुछ और विकल्प निकाले जाए, कुछ ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ निकाले जाएँ जिसकी वजह से आपका एडमिशन जेई और नीट्स में हो जाए। तो फ्रेंड, ये वीडियो आप जरूर से ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों तक, आपको इंस्टाग्राम पे टैग करिए, आप फेसबुक पे टैग करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो। मैं अपने जो सारे लिंक हैं इंस्टाग्राम के और जो मेरी सोशल वेबसाइट है सभी के लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक और जो भी जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए सोचना चाहते हैं कि जो जेई और नीट का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया जाए या फिर कोई अल्टरनेट तरीका निकाला जाए जिससे बच्चों का एडमिशन हो सके। तो फ्रेंड, यही था इस वीडियो में। जैसे ही कोई अपडेट आती है जेई और नीट से रिलेटेड, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। तो यार, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही कोई नीट और जेई की अपडेट आती है उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।